देश की आज़ादी पर विभाजन की उस विभीषिका को भले कौन भुला सकता है, जब पश्चिमी पंजाब में एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा 10 लाख हिंदुओं का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। उन्हीं 10 लाख शहीद हुए हिंदुओं को याद में पहली बार हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से घोषणा की थी कि हर वर्ष 14 अगस्त को देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा, जो इस बार 14 अगस्त के दिन धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मनाया जाएगा। स्वामी जी ने सर तन से जुदा वाले सवाल पर कहा, ऐसा कहना या करना हमारी हिंदू संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बावजूद इसके हम भी नबी का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन मारने काटने जैसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग तो बिल्कुल भी उचित नहीं। नूपुर शर्मा ने जो कहा वो किताबों में लिखे अनुसार ही बोला और उसने अपने उस बयान के लिए माफ़ी भी मांग ली। फिर भी इसके फैसले के लिए न्यायालय है, हमें कोई अधिकार नहीं कि किसी को सजा देने का। उन्होंने कहा कि जब हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं तो विशेष समुदाय को भी चाहिए कि वह गौकसी जैसी घिनौनी हरकतें करके हिंदुओं की गौ माता के प्रति अगाध श्रद्धा और उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत न करे, ताकि देश के दुनिया में आपसी भाईचारा बना रहे। अगस्त को कुरुक्षेत्र में एक दिव्य भव्य अलौकिक ऐतिहासिक कार्यक्रम जिसका आयोजन किया गया है, वो कार्यक्रम क्या है कि पिछले साल 15 अगस्त, जैसे 15 अगस्त अब मनाएंगे, 2021 में 15 अगस्त जब लाल किले की प्राचीर से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण कर रहे थे, तो ध्वजारोहण के बाद जब उनका संबोधन में पहली बार किसी भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से एक ऐसे विषय को छुआ जो पूरी तरह से हम लोगों से संबंधित है, हमारे मिशन से संबंधित है। 15 साल पहले से हम लोग एक आवाज़ उठा करके चल रहे हैं कि 1947 में देश का विभाजन हुआ, या यूं कहूं कि 1947 में देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय एक बहुत बड़ी त्रासदी भी हुई, बहुत बड़ी क्या है पूरा कार्यक्रम। 14 अगस्त 2022 पंचरा स्मारक ट्रस्ट पहली बार विभीषिका जो हमारे देश में 1947 में जो आज तक कभी नहीं हुई, जिसमें हमारे सिर्फ पंजाबी भाइयों का ही, पंजाबी बिरादरी का ही जो बलिदान हुआ था, 2021 में 15 अगस्त वाले दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो उसको प्रण लिया कि जो शहीद हुए हैं उनको शहीद ही कहेंगे, कि 10 लाख लोगों को उन्होंने प्राण दिए, तो वो कुरुक्षेत्र के अंदर 14 अगस्त को विभाषिका दिवस के रूप में उन्होंने मनाने का संकल्प लिया है और वो हम कुरुक्षेत्र के अंदर ही मनाने जा रहे हैं।